हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। एम आई ऑडिबल? यस विशाल, यू आर ऑडिबल। हाय कैलाश, हाय अब्दुल, हाय उमर, हाय तमन, हाउ आर यू ऑल? फाइन सर, फाइन सर। सो शैल वी स्टार्ट? यस 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 सर। ओके, जैसा कि मैं हर क्लास में बोलता हूँ, अगर आप मेरी क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी वीडियो देखिए और कोई भी इशू आता है तो मुझे मेरे ग्रुप में या पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, एज आई स्पीक इन एवरी क्लास, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अटेंड माई क्लास देन देर इज़ नो प्रॉब्लम, यू विल वॉच माई वीडियोज एंड इफ़ यू फाइंड एनी इशू और एनी प्रॉब्लम यू आर हैविंग, you can contact me at my group or you can contact me personally also. Okay, so whatever class will be from today, I will try to both in language like Hindi and English, because most of the student are demanding Hindi language from me and some student of English language. So I will try that I can learn you in both language. Is there any issue? No sir, no issue sir. Okay. No, there is no issue. Okay. Firstly, I want to discuss you something. मैं मतलब पहले मैं आप लोगों से कुछ discuss करना चाहता हूँ। मुझे लास्ट वीक से ना कुछ स्टूडेंट ने अपने प्रोजेक्ट, हाउ मेनी ऑफ यू नो हिंदी लैंग्वेज? कैलाश, अब्दुल, नवीन, आई नो अबाउट यू। अब्दुल, यू नो हिंदी लैंग्वेज? आई डोंट नो हिंदी। आई नो हिंदी लैंग्वेज। स्पीक इन बोथ लैंग्वेज। फर्स्टली आई विल स्पीक इन हिंदी एंड आफ्टर दैट आई विल कन्वर्ट दैट वन इन इंग्लिश। ओके, यस सर, नो प्रॉब्लम। ओके, तो पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करता हूँ। मुझे ना कुछ लास्ट वीक से कुछ स्टूडेंट ने अपने प्रोजेक्ट्स भेजे हैं, ठीक है, और वो अपनी प्रोजेक्ट्स में मेरी हेल्प चाहते हैं। जैसे कि आज मैंने, आई होप अगर आपने वीडियो देखी होंगी, तो मैंने ग्रुप में एक वीडियो शेयर की थी, तो वो एक स्टूडेंट ने बनाया है। ओके, तो ऐसे ही मेरे स्टूडेंट जो हैं मुझसे कुछ हेल्प चाहते हैं। तो हेलो सर, हाउ आर यू? क्या उमर जी, असल में जो ना हमने एक प्रोजेक्ट किया है वो डिस्टर्ब सीएसएस, तो अभी हम चाहता हूँ जो आपको दिखाना, जैसे करके रेस्पॉन्सिव ठीक है कि नहीं। ओके, यू कैन शेयर इट मी पर्सनली। ओके सर, तो हम चाहता हूँ जो आपको, आप अगर जो मेरा एक तो ईमेल नंबर दे देते तो हम आपको वन बाय वन, प्लीज वन बाय वन। या प्लीज उमर सर, सर आप एक सवाल पूछना चाहते हैं सर? या अब्दुल प्लीज। जी सर, मतलब हम पाकिस्तानी हैं, कुछ लैंग्वेज हिंदी में कुछ चेंजिंग होता है, उर्दू हमारे लैंग्वेज उर्दू है, ठीक है, कुछ हिंदी लैंग्वेज में कुछ चेंजिंग होता है सर, उसमें को इशू मतलब होता है तो इंग्लिश में हम पूछ सकते हैं सर? या आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी आल्सो, बिकॉज़ नवीन डजंट नो हिंदी लैंग्वेज, सो फॉर नवीन आई स्पीक इन इंग्लिश, सो आई विल कन्वर्ट बोथ। इफ आई स्पीक अ सेंटेंस इन इंग्लिश देन आई विल स्पीक दैट सेंटेंस इन हिंदी आल्सो, okay, because I am not so strong in English, so that is the reason I speak in Hindi and English both language. तो sorry sir, तो हमने जो जा बोलते थे, तो अगर जब आप एक तो मेरे ईमेल नंबर दे देते तो हम आपको मेरा पूरा प्रोजेक्ट हम आपको सबमिट कर देते, जैसे करके आप देख सकते हैं। आप मुझे ना WhatsApp पे पर्सनली मैसेज कर दीजिए, I will do that for you. Okay. Okay, okay, ठीक है, ठीक है, thank you. Firstly, I want to discuss something that from last week, I am receiving some messages from some student and those student want my help in their project. So today, I will create a new group in which we will add
some people who will be perfect in any one language, whether it is HTML, CSS, Java or any other language. So we all work together, okay? Naveen, are you perfect in HTML or CSS? Yes, Shushar. Okay. So if you want to help, then you can. That is not compulsory for all. Okay? Yeah, I will do. Yeah. If you have a time, then you can help me. Or if you are busy in schedule, you can watch it and give this suggestion. Okay? Yes, sure, Shushar. I will do it. So, aaj ki class mein hum Java ke baare mein seekhenge. That is Java क्या है, Java के कितने types होते हैं, Java कैसे काम करता है और Java के क्या features हैं। Firstly, जब भी मैं class लेता हूँ ना, मैं कुछ basic चीजें बताता हूँ। Naveen already know about that, some basic points, okay? But मैं आज सभी को सारी चीजें starting से बताऊँगा। Secondly, जो चीज मैं पहले बता चुका हूँ, Python में मैं बहुत सारी चीजें clear कर चुका हूँ, HTML में मैं clear कर चुका हूँ, तो वो चीजें मैं दोबारा declare नहीं करूँगा, okay? So in today class we will learn about Java, what is Java, types of Java, how does the Java work, what are the features of Java and what is Java. मतलब ये सारी चीजें आज की डेट में हम सीखेंगे. After that we will install Java and run one of the Java program. Okay? Yeah. Firstly, Kailash, Abdul and Umar, you all know Hindi language, right? Yes, 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 sir. Yeah, Abdul. Yes, sir. Do you know my Hindi language? आती है ना आप लोगों को? Yes, yes. जी सर, हिंदी आती है सर. Okay, Umar आपको भी आती है. Taman? जी हमें हिंदी आती है. Okay, don't worry. दीपाली को भी हिंदी आती है. And Taman? Okay. So Naveen, आपको English, right? Yes, Vishal. So firstly, I will speak in English and after that, I will convert into Hindi. Firstly, probably heard the name of Java, but the question is that comes in our mind that what is Java? Firstly, that is my thinking, what is Java if I am a beginner? If I know some basic point, then I know what is Java, what is that and what is this. Okay? So firstly, when I am getting to learn Java, मतलब जब मैं Java सीखना start कर रहा था, मतलब मेरे को ये भी नहीं पता था what is Java and how it is work, कि Java actual में होता क्या है, तो तब मुझे कुछ चीजें पता लगी, तब मैं first time in my life that I learn कि Java code is used in more than 3 million electronic device or 3 lakh plus electronic device, that numerical count is be different, I am not sure about that, that is my expectation, okay? From this you can, but it's 3 lakh plus electronic device, that I'm sure. That is, for an example, I am saying that electronic device that like AC, oven, smart TV, digital fridge are used with Java, okay? So start learning, before start learning Java or before start learning any programming language, first of all, we need to understand that is the basic. Unless you understand is fundamental, you will be not able to move forward in it. Okay? मतलब in short, अगर मैं बोलूँ आपको programming language को start करने से पहले सबसे पहले हमें उसके basic समझने चाहिए. Instead, अगर कोई भी चीज़ है, अगर हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, तो उसको start करने से पहले हमें उसके बारे में at least कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. अगर हमें नहीं पता तो हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे. Okay? Secondly, कुछ चीज़ें हमें improve करनी चाहिए, जैसे कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें जो है वो डेली समय निकालकर प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जिस एज आई ऑलरेडी से एज मच एज प्रैक्टिस यू कैन देन यू विल लर्न, बिना प्रैक्टिस के यू कांट लर्न एनीथिंग. आई विल टीच यू टुडे बट इफ यू डोंट प्रैक्टिस देन यू विल डोंट लर्न एनीथिंग. ओके, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट. सो फर्स्टली आई वॉन्ट टू आस्क that any one of you know, अगर आप में से कोई भी जानता है that what is Java, Java actual में क्या है, क्या कोई मुझे बता पाएगा, anyone tell me what is Java? Java is a programming language. Okay. It is high level language. Okay.
brief discussion about Java. Java is an independent language. It is an object-oriented programming language. That's great. So, as per my preference, I am saying that Java is an open platform computer programming language. Okay? Java जो है एक open platform computer language है. ठीक है? Programming language is because Java जो का compiler जो है, Java compiler change the instruction in the program to bytes code. Okay? वो एक open platform computer language है. क्योंकि जावा का जो ये कंपाइलर प्रोग्राम में दिए गए निर्देश जो है वो बाइट कोड में या बिट्स में BYTES में परिवर्तन करता है, मतलब उसको बदलता है. ओके यस. सो एज यू ऑलरेडी नो देयर आर द यूजेस फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट Java is a high level programming language. What is high level, what is low level, I already cleared in the Python class. Right, Naveen? Yes, Sushil. Yeah. So, what is the high level, what is the low level? If you know, then very well. If you don't know, then please watch Python first class 1 video. Okay? Then Java can be run in any computer machine. जावा जो है वो किसी भी कंप्यूटर किसी भी मशीन में रन कर सकता है इजीली. ओके द दिस टाइप ऑफ डाटा डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मशीन. इन एडिशनल इट डज नॉट रिक्वायर टू चेंज द सिस्टम हार्डवेयर माइक्रो प्रोसेसर एंड सॉफ्टवेयर टू रन. मतलब ये है कि इस प्रकार के डेटा के लिए किसी भी विशेष प्रकार की कंप्यूटर मशीन की जरूरत नहीं होती. इसके अलावा इसे चलाने के लिए ना तो हमें सिस्टम के हार्डवेयर चेंज करने पड़ते हैं, ना माइक्रो प्रोसेसर, और ना सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती. ओके जावा इज अ जर्नल प्रपोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावा जो है वो एक जर्नल प्रपोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. यह लैंग्वेज अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तुलना में काफी पोर्टेबल लैंग्वेज है. ओके दिस लैंग्वेज इज मोर पोर्टेबल देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एनी डाउट येट? नो डाउट. ओके फर्स्टली इट इज यूज टू बिल्ड डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्लीकेशन. It is completely based on OOP, that is Object Oriented Program. I already told you about what is Object Oriented Program in Python. Okay, same concept, same things. So you can watch that. So you will easily understand. If you don't watch, if अगर आप नहीं देखना चाहते, अगर आप मतलब नहीं समझ में आ रहा आपको, तो आप मुझसे coordinate कर सकते हैं. Okay? Then I will again take a special class for that student. Okay. Firstly, as you know, C++ and Java are quite similar to each other. C++ और Java जो है वो एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं. Right? So इसके बावजूद जावा में अधिक एडवांस और सिंपल फीचर्स होते हैं. दैट वी आर सेइंग दैट जावा आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर. डिस्पाइट दिस जावा हैज मोर एडवांस एंड सिंपल फीचर्स. थ्रू दिस वी कैन क्रिएट अ प्रोग्राम दैट आर यूज्ड ऑन दैट सेम कंप्यूटर. सच एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्रिएटेड इन सी एंड सी प्लस प्लस. You will get to see in more than, yeah, that is, there is a count, that is 3 million devices around the world. So you guess how proper programming language is that can, it can be. So jaisa ki maine bataya ki duniya bhar mein 3 million se bhi zyada device mein aapko ye dekhne ke liye mil jayega, jisse aap andaaza laga sakte hain ki yeh jo java language hai wo kitni popular ye programming language hai.
राइट। जावा प्रोग्राम जो है वो अपने वोरा के उद्देश्य पे काम करती है। जावा जो प्रोग्राम है वर्क्स ऑन इट्स वोरा ऑब्जेक्टिव। वोरा मींस राइट वंस रन एनीवेयर। सर प्लीज टेल मी सर वो सम वर्ड यू आर यूजिंग इन हिंदी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड बट यू एंड यू नो व्हिच सेंटेंस प्रकाश व्हाट इज द मीनिंग प्रकाश सॉरी प्लीज क्या बोले आप अब्दुल सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ मतलब हम पाकिस्तानी है ठीक है सर आप हिंदी लैंग्वेज है ना कुछ सर उसमें कुछ चेंजिंग होती है ठीक है प्रकाश या विधिका या कुछ मतलब ऐसे लफ्ज आते हैं ना सर हमको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते ठीक है सर वो मतलब उसका मीनिंग हमें बता सकते हैं इंग्लिश में सर इसका क्या है मतलब आई कैन मैं जो दोनों सेंटेंसेस में बोल रहा हूं लाइन दैट इज द इंग्लिश में भी और हिंदी में भी सो अगर आपको कोई सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा तो आप क्लियरली मुझसे पूछो मैं उसको अगेन रिपीट कर दूंगा ठीक है सर हाँ अभी ऐसा कुछ है जो आपको नहीं समझ में आया समझ में आया सर ओके जावा जो प्रोग्राम है जैसा कि मैंने बताया वो वोरा ऑब्जेक्टिव पे वर्क करता है एंड व्हाट इज वोरा 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 क्या है डब्ल्यू ओ आर ए दैट इज राइट वंस रन एनीवेयर एक बार लिखो कहीं भी चलाओ राइट राइट वंस रन एनीवेयर That is Vora, Vora objective. अर्थात मतलब इसका जो मतलब है वो एक बार लिखे कोड को उसको बार बार यूज करने की कैपेसिटी इसमें होती है दूसरा ये प्लेटफॉर्म जो है वो इंडिपेंडेंट भी है यानी कंपाइल जावा कोड सभी ऑपरेटिंग सिस्टम OS में रन हो सकता है इन इंग्लिश वी कैन से दैट इट हैज एबिलिटी टू रीयूज अ कोड वंस रिटन इट इज ऑल्सो platform sorry it is also platform independent for any that is compiler java code can run in all operating system that is OS okay jo compiler java code hai wo kisi bhi system mein run kar sakta hai do you know isko high level language kyun kehte hai why we call is a high level language Naveen, I am expecting answer from you. I already tell this one at my last class. Yes, Fisher. Why do you know what is high level language? Java is a high level language. Yeah. What is high? We can use it is a object oriented programming language so we can use it in mac windows linux etc it is a platform independent right that is great in hindi we can say that jo high level java ko hum log high level language kyu bolte hain kyunki isko aasani se padha bhi ja sakta hai insano ke dwara aur likha bhi ja sakta hai why we called high level language because high level language is easily read and writeed by human so that is we called high level language high level language is easily read by humans and write by humans okay for an example we save a java file which contain the code written by the user do you know how we save our java file bytecode what is the extension of java code can anyone the java is saved from if we are saving a file dot java yeah dot java right Naveen so if we want to save a file right in html we are saving index.html or any name.html so that is same we are saving a file name .java java that is the extension .java
एज वी कैन सी इन इमेज फाइल दैट इज जेपीजी जेईजी एंड इन MP3 इन वीडियो फॉर्मेट वी कैन सी दैट MKV MP4 दैट इज ऑल्सो दॉट जावा इज इन जावा एक्सटेंशन ओके इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ OOP दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट then it is not very difficult to learn if you have good knowledge then C++ then you can learn easily this language because java programming language is based on C++ matlab agar in short mera kehne ka matlab ye hai ki agar aapko C++ aati hai to aap java ko bade aasani se seekh payenge mera manna aisa hai okay any question no sir agar main baat karu if I compare to the other programming language then I can say that java is more secure due to its many great feature it has been emerged as an popular programming language in last several years okay at the same time you can learn coding with the help of it and create an application there is also place where you can use it can anyone tell me how many types of java are there kitne type ke java hote hain java types are standalone applications web application enterprise applications right can you describe what is standalone application standalone applications are desktop applications like windows applications like that right java basically there are three types of java program first is standalone application second one is applet third one is servlets okay standalone application applet on servlet so what is standalone application standalone application kya hai these are the program that work offline and designed to perform a certain task ye jo standalone application hota hai na ye ek program hota hai jo ki offline work karta hai ठीक है एक सर्टेन टास्क को परफॉर्म करने के लिए दे डोंट रिक्वायर्ड एनी इंटरनेट कनेक्शन और नेटवर्क कनेक्शन रन इन योर कंप्यूटर दे आर रन डायरेक्टली बाय द प्रोग्राम ट्रांसलेटर देर आर नॉट एम्बेडेड विद द प्रोग्राम HTML एंड अदर लैंग्वेज मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो होता है उसको इंटरनेट की जरूरत या कोई भी नेटवर्क की जरूरत नहीं होती ये ऑफलाइन वर्क करता है राइट an applet we can say that applet ek java program hai jisko html ke sath embed kiya jata hai applet ka use ek website ko adhik dynamic aur certain banane ke liye kiya jata hai okay so a java program can be embed with html applet are used to make website more dynamic and entertaining स्टैंड अलोन एप्लीकेशन एंड एप्लेट में फर्क समझ गए आप लोग यस सर यस सर ओके सर विल यू प्रोवाइड द रिटर्न नोट्स आल्सो या या आई विल डू दैट फॉर यू दैट इज माय पर्सनल नोट आई विल शेयर विद यू इन ड्राइव ओके सो सर्वलेट्स क्या है ये जावा क्लास है जिसका उपयोग सर्वर की कैपेबिलिटी को बढ़ाने या एक्सटेंड करने के लिए किया जाता है हालांकि सर्वलेट किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर सकता है परंतु आम तौर पर वो वेब सर्वर द्वारा होस्ट किए गए एप्लीकेशन को एक्सटेंड करने के लिए यूज किया जाता है इसके अलावा ये एक वेब कंपोनेंट भी है जिसे डायनामिक वेब पेज बनाने के लिए सर्वर में डिप्लॉय किया जाता है इन द इंग्लिश वी कैन से दैट इट इज अ जावा क्लास दैट इज यूज्ड टू एनहेंस एंड एक्सटेंड द कैपेबिलिटीज ऑफ सर्वर ओके ऑल्दो सर्वलेट कैन रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट ऑफ एनी टाइप they are usually used to extend application hosted by the web server
कितने टाइप्स के जावा होते हैं ये आप लोग समझ गए ना. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ जावा, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, एप्लेट एंड सर्वर. तीनों में क्या फर्क है, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट राइट नाउ. ओके सर, प्लीज टेल मी व्हाट इज सर्वर. सर्वलेट्स, ये एक जावा क्लास है जिसका उपयोग सर्वर की जो कैपेबिलिटीज होती है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है. ओके जो सर इसका कोई एग्जांपल देके बताइए. उसके बाद एक लाइव एग्जांपल दूंगा, मैंने इस पे वर्क किया है. थ्योरेटिकल पार्ट से ज्यादा मैं प्रैक्टिकल में विश्वास रखता हूँ. एप्लेट आपको समझ गया, या एप्लेट का भी एग्जांपल देना है? नो सर. ओके ठीक है. जावा कैसे वर्क करता है, कैन एनीवन टेल मी हाउ जावा वर्क? हाउ जावा वर्क्स, कैन एनीवन टेल मी? Naveen, do you know about that? How Java works? Can you? Java works. ओके जब जावा किसी प्रोग्राम को कंपाइल करता है, ओके प्रोग्राम की पूरी तरीके से मशीन लैंग्वेज में चेंज ना होकर वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज में चेंज हो जाता है, जिसे जावा बिट कोड कहते हैं. इस कोड को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम व किसी भी प्रोसेसर पर चलाया जा सकता है. ओके जावा प्रोग्राम की कंपाइलेशंस एक ही बार में होती है, जबकि जावा जो प्रोग्राम चलाया जाता है उसे प्रोग्राम को इंटरप्रिटेशन होता है. ओके कैन आई रिपीट इन दिस वन इन इंग्लिश? व्हेन कंपाइलिंग अ प्रोग्राम ऑफ जावा द प्रोग्राम डज नॉट कंप्लीटली चेंज इनटू द मशीन लैंग्वेज. व्हेन कंपाइलिंग अ प्रोग्राम ऑफ जावा द प्रोग्राम डज नॉट कंप्लीटली चेंज टू द मशीन लैंग्वेज बट चेंज टू एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज कॉल्ड जावा बिटकोड. The code is called an operating system of any processor. Am I audible? Yes, Vishal. Can anyone tell me the features about Java? I hope today I will take a screenshot of. Just a second, I am checking. Can anyone tell me about the features of Java? Sir, it has object-oriented features like class, inheritance, and all that. Yeah, right. Platform independence, and it is secured or robust, portable, multi-threading are like. Right. So I am telling the main point, that is. The features of Java is firstly the simple language, second object oriented, third one is platform independent, fourth one is secure, fifth one is portable, sixth one is multi-thread, and seventh one is distributed, and eighth one is robust. Okay. Is I need to explain the all points?
सर प्लीज एक्सप्लेन रोबस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रोबस्ट? रोबोट्स का मतलब होता है जावा में मजबूती बनाने के लिए, मतलब कैसे कोई भी प्रोग्राम अलग अलग एनवायरनमेंट में बिना क्रैश हुए काम कर सकता है, ओके उसको रोबस्ट बोलते हैं। नवीन डू यू नीड एनी पॉइंट टू बी डिक्लेयर? नो विशाल, आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज जेवीएम? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज जेवीएम? Java Virtual Machine it is. Yeah, right. Do we need to explain this? Yes, sir. Please explain. Okay. Naveen, can you explain what is JVM? Java Virtual Machine. Can you explain it briefly, please? If you can. Do you know about what is JVM? Yes, sir. यस सर, ये मशीन कोड होता है सर, जैसे कि हम रन करते हैं प्रोग्राम जो कन्वर्ट होता है मशीन कोड में, इसको जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं। बिल्कुल, हर एक कंप्यूटर की अपनी एक मशीन लैंग्वेज होती है, राइट? अगर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो यह कंपाइल प्रोग्राम सभी कंपाइलर पर रन कराने के लिए अनेबल होता है। इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं। इज दैट क्लियर दीपाली? यस सर। So firstly, we will start from installing the Java. आप सभी को Java install करना आता है? No sir. Anyone need help in installing Java? Yes sir. Okay. Yes sir. Yes sir. Is my screen is visible to all? Yes, sir. Yes. जावा इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है। हियर आई एम राइटिंग जावा डाउनलोड, डाउनलोड जावा फॉर विंडो। नवीन व्हाट आईडी यू आर यूजिंग फॉर जावा? एक्लिप्स आई एम यूजिंग। एक्लिप्स यू आर यूजिंग? यस यस। What do you think about VS Code? Why are you not using that one? Yeah, I don't know about it, so I install that one. Okay. So if it is needed, I will install. Virtual Code Studio. That is same. I am using that one for HTML, CSS, and Python and all for that. Yeah. So. Okay. Here you can. Firstly, I am repeating again. Firstly, आप Google, yeah. Naveen, if you need any translation, then you can please, okay? Okay, Vishal, okay. Anyone, अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई भी ट्रांसलेशन चाहिए तो they can ask me anytime, okay? Firstly, Google पे जाना है, I am writing Java download, download Java for window, and whatever you are using Mac, so you can download for Mac also. Here I am clicking that download Java. It is 2.2 MB software. ये मेरा Java का जो setup है वो download हो गया है. Now I am installing it.
आई एम रीइंस्टॉलिंग इट, आई एम ऑलरेडी हैविंग द जावा सेटअप इन माय सिस्टम, मेरे पास पहले से ही जावा का सेटअप है बट आई एम रीइंस्टॉलिंग इट. इज माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ना, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? यस. मैं डेस्टिनेशन फोल्डर को चेंज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली इंस्टॉल कर रहा हूँ. इट विल डिपेंड अपॉन योर नेट कनेक्शन. मेरा नेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है बारिश की वजह से, दैट इज द रीजन कि ये टाइम ले रहा है. ओके, सो वेट करते हैं हम लोग इसको डाउनलोड होने का. Will take so much time. It will take maximum 30 seconds to 45 seconds to install. ज्यादा से ज्यादा ये 30 से 45 seconds लेता है install होने के लिए, बट डिपेंड करता है आपके नेट कनेक्शन के ऊपर. ओके, फर्स्टली जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है या नहीं, जैसे कि हमने पाइथन चेक किया था. तो हम वेट करते हैं इसका इंस्टॉल होने तक. 27 सेकंड्स आर लेफ्ट. ये इंस्टॉल हो गया है. फर्स्टली मैं चेक करता हूँ कि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है या नहीं. सो उसके लिए मैं इंस्टॉलिंग जावा राइट नाउ. अभी मैं यहां से सीधा कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा. मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, बट वेटिंग फॉर दैट इंस्टॉलेशन. यहां मुझे लिखना है जावा. जस्ट आई एम चेकिंग. सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है. स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, जस्ट अ सेकंड. राइट नाउ नो सर. अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन? नहीं सर. जस्ट अ सेकेंड. नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल. आप दिखाई दे रहा है आपको? नहीं सर, नहीं दे रहा है अभी भी. सर पता नहीं नेटवर्क की वजह से ही से होता है. रेस्ट ऑल बाकी सब दिख रहा है, हम देख सकते हैं. ओके, बाकी किसी को कोई और ये इशू आ रहा है स्क्रीन ना शेयर होने का? नो सर. ओके, किसको इशू आ रहा है? मुझे सर. ओके अब्दुल, अभी कोई इशू नहीं. मैं अभी जनरली आप सिर्फ अभी सुन लो, अगर आपको कोई इशू होता है तो आप वीडियोस में एक बार देख लेना, ठीक है? ओके सर. मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा. फर्स्टली मैंने जावा का जो सेटअप है वो इंस्टॉल कर लिया. आफ्टर दैट मैं कमांड प्रॉम्प्ट में गया. यहां मैं सबसे पहले चेक करता हूं कि मेरा जो जावा है वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं, जैसे हमने पाइथन चेक किया था. सो यहां मैं लिखूंगा जावा स्पेस वर्जन माइनस ई आर वर्जन. अभी मेरा जो जावा का वर्जन है ये प्रोबेबली इंस्टॉल हो गया है 15.0.1. ओके, अभी ये जो मेरा जावा का वर्जन है ये इंस्टॉल हो गया है.
अगर आपके सिस्टम में यहाँ ये वर्जन नहीं दिखाता तो इट मीन्स जावा इज नॉट इंस्टॉल्ड प्रॉपरली इन योर सिस्टम। ओके देन इसके लिए नवीन डू यू नो वी आर यूजिंग वीएस कोड फॉर पाइथन? यस विशाल, वर्चुअल स्टूडियो कोड सेम आईडी फॉर ऑल द लैंग्वेज। ओके राइट नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट वीएस कोड? आप में से कितने लोग जानते हैं वीएस कोड क्या होता है? Sir, I know about it. It is used for running JavaScript, HTML and CSS, all that. Yeah, right. बाकी लोग सब जानते हैं ये VS Code क्या होता है? अब्दुल, कैलाश, उमर? No, sir. Okay, अब्दुल? Sir. Do you know, मतलब Virtual Studio Code क्या होता है? No, sir. पता नहीं है, sir. ओके सो ठीक है, मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। फर्स्टली जो वर्चुअल कोड है ना, जस्ट सी, अभी अगर सपोज कीजिए मैं नोटपैड में वर्क करता हूँ, नोटपैड में आप एचटीएमएल, आपने सबने वर्क किया है ना एचटीएमएल में? Yes, sir. ऐसा कोई है जिसने HTML वर्क नहीं किया? Is there anyone? Yes, sir. कैलाश, आपने वर्क किया है HTML में या नहीं किया? नहीं सर, मैंने नहीं किया है। मैंने आपको दोपहर को बात की थी उसके। Okay. Today is my first. Right. So you are from basic level, right? Yes, yes, right. Abdul. Yes, sir. आपने HTML में अभी तक वर्क किया है? ये सर किया है मैंने। कौन सा आईडी आप यूज कर रहे हैं? नोटपैड यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? आईडी में सर सबलाइन कर रहा हूं सर। नहीं आप अच्छा, नोटपैड वगैरह आप कुछ यूज कर रहे हैं? यूज किया जी सर, नोट भी किया है सॉरी जी सर। ठीक है, देखिए यस सर, मैंने किया है नोटपैड और सबलाइन। ओके ठीक है, कोई इशू। अभी मैं ना आपको दो चीजों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि नोटपैड एक कॉमन है जो इसको सब यूज करते हैं। मैं सबसे पहले एक नोटपैड का जो ये है क्रिएट करूंगा। फर्स्टली मुझे नोटपैड खोलना है, ठीक है? यहां जाके कोई भी मैं HTML जस्ट सी, मैं एक वेबसाइट पे वर्क कर रहा हूं, मैं उसी को खोलता हूं। ओके स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ना? यस यस विशाल। सी, मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ जिसमें सपोज करो मैं ये HTML है, ठीक है? यहां से मैंने ये इंडेक्स वाला जो पोर्शन है ये ओपन किया। अगर मैं इसको नोटपैड में मुझे ओपन करना है, मैं पहले इसको राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद नोटपैड। अभी आप लोग सब देख रहे हो मैंने इसमें एक ही शीट में पूरी चीजें, स्क्रिप्ट भी लगाई है, अपनी CSS भी लगाई है एक्सटर्नल, ये सारी चीजें लगाई है, राइट? बट इसमें कहीं भी मुझे करेक्शन नहीं पता लग रहा। अगर मैं कहीं भी गलत होता हूं, मैं सिर्फ इसमें कोड कर रहा हूं, मुझे ऑन द स्पॉट ये नहीं पता चल रहा कि मेरी कौन सी लाइन गलत है। अगर सपोज कीजिए मैं यहां से ओपन टैग खत्म कर देता हूं, तो मेरे को ये नहीं पता कि ये सही है गलत है जब तक मैं इसको रन नहीं करूंगा। इसका सेकंड ऑप्शन क्या है, इसमें मैं मुझे पहले जाके इसको सेव करना पड़ेगा।
अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव किया लाइक demo.html। अभी मैंने इसको क्रॉस कर दिया, कहाँ सेव हुआ, सी पहले मैं इसका कोड मेरा कॉपी है एंडलेस, यहां से मेरे पास ये कोड आ गया, मैंने कॉपी कर लिया। ओके अभी मुझे एक नया पेज क्रिएट करना है। फर्स्टली तो मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा डेमो के नाम से। आफ्टर दैट इसके अंदर अगर मुझे इमेज रखनी है तो इमेज का फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। अलग अलग मुझे फोल्डर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सपोज करो मैं यहाँ नोटपैड डाल देता हूँ, यहां से मैंने लिया नोटपैड, नोटपैड मैंने ओपन किया, यहां पूरा कोड टाइप किया जो भी मुझे टाइप करना है। सेकेंडली मैंने इसको सेव किया डेमो फोल्डर के अंदर, इसका नाम दिया demo.html, सेव। ओके ये यहां सेव हो गया। अभी मुझे इसको राइट क्लिक करना है तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा, लेकिन इसमें एक्सटर्नल सीएसएस वगैरह अभी सब हट गया क्योंकि एक्सटर्नल सीएसएस लगाया था मैंने इसमें। सेकेंडली मुझे यहाँ इमेज करना है तो मुझे अभी सपोज कीजिए मैं यहाँ नोटपैड में काम कर रहा हूँ, मैं इसको नोटपैड में ओपन करता हूँ, मुझे इसका लाइव प्रीव्यू देखना है। इज देयर एनीवन हु कांट अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज? नवीन आर यू अवेयर? यस यस यस। इज देयर एनी इशू यू कैन आस्क मी, आई विल रिपीट इट इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके ओके फर्स्टली या हमने ये चीज नोटपैड में ओपन की, नोटपैड में हमने पूरा कोड लिखा। इफ आई मेक अ मिस्टेक हियर, अगर मैंने यहाँ कोई मिस्टेक की तो मेरे को नहीं पता लग रहा। अगर मैं इस प्रोग्राम को, फर्स्टली मुझे इस प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा, अगर आप शॉर्टकट जानते तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यहाँ से जाके सेव, उसके बाद इसको मिनिमाइज एंड आफ्टर दैट रन, देन मुझे दिखाई देगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। ओके और मुझे अगर इमेज, मुझे सपोज कीजिए यहाँ एक इमेज सेलेक्ट करनी है या इमेज की हाइपरलिंक डालनी है, तो पहले मुझे इमेज का अलग से एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ आके मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, आफ्टर दैट मैं उसमें इमेज डालूंगा, वो चीजें सारी बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई आई एम प्रिफरिंग, अगर मैं नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस को देखूँ तो उससे ज्यादा मैं वर्चुअल कोड स्टूडियो में ट्रस्ट करता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है, मेरा वर्चुअल कोड स्टूडियो का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, मैं जिस भी फोल्डर पे काम कर रहा हूँ, सपोज करो मैं वेबसाइट ऑन प्रोजेक्ट पे काम, इस पे वेबसाइट ऑन प्रोग्रेस है, ये मैं एक फोल्डर है, मैं इसको ओपन करूंगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ से वर्चुअल कोड में इसको ओपन कर सकता हूँ, दैट इज ओपन विद कोड। ये कैसे इंस्टॉल होगा, कैसे इसको यूज करना है, इंस्टॉल करते वक्त कुछ ऑप्शन आते हैं जिसके टिक करने पर ये ऑप्शन जो है ओपन विद कोड यहाँ आता है, तो आपको इंस्टॉल करते वक्त ये चीजें ध्यान रखनी है। ये मैंने आपको HTML की फर्स्ट वीडियो में भी बताया, पाइथन की फर्स्ट वीडियो में भी बताया। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं इसका स्पेशल वीडियो बना दूंगा या स्पेशल आपको बता दूंगा, ठीक है। फर्स्टली मुझे किसी भी वेबसाइट पे काम करना है, अभी देखो इसके अंदर VS कोड का भी फोल्डर है, VS कोड एक अपना ये हाइड फोल्डर रहता है जो VS कोड ऑटोमेटिक क्रिएट करता है, ठीक है, इससे हमें कुछ नहीं मतलब है। CSS मैंने एक एक्सटर्नल CSS की फाइल बना रखी है, HTML की मैंने एक अलग तीन फाइल बना रखी है, इमेजेस का मैंने एक अलग फोल्डर बना रखा है एंड जीएस का मैंने एक अलग फोल्डर बना रखा है। तो ये पूरा फोल्डर अगर मैं नोटपैड में ओपन करने जाऊं तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, बट अगर मैं यहाँ आके डायरेक्टली शो मोर ऑप्शन आफ्टर दैट ओपन विद कोड करूंगा तो ये सारी फाइल्स मेरी एक ही बार में पूरा ओपन हो जाएगा VS कोड में। ये देखो ये मेरा VS कोड है, इसमें काम करना बहुत ज्यादा ईजी है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर सपोज करो मैं यहाँ कोई मिस्टेक करता हूँ, सपोज जैसे मैंने वहां मिस्टेक की थी, सेम मिस्टेक मैं यहाँ कर रहा हूँ, सी यहाँ ये रेड हो गया तो मेरे को पता लग रहा है कि हाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। अगेन मैंने यहाँ ये दो डिलीट किए, जब जब मैं मिस्टेक करूंगा ना तो मेरे को पता लगेगा अगर मैं कुछ भी मिस कर दूंगा तो भी। सेकेंडली सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर मैं पूरा कोड क्लियर कर देता हूँ ये ऑटोमेटिक
करता है। जैसे मैं सपोज करो HTML की फाइल है, मैं एमिट लगा के एंटर दबा देता हूँ तो पूरा कोड ऑटोमेटिक यहाँ आ जाता है, मुझे बार बार उस कोड को लिखने का जरूरत नहीं है। अभी सपोज कीजिए मुझे यहाँ कोई बॉडी टैग लगाना है तो मुझे पूरा बॉडी लिखने की जरूरत नहीं है, बी और लिखूंगा, ओपन टैग और क्लोज टैग अपने आप आ जाएगा। ओके, सेकेंड वन, मेरे को बार बार CSS की फाइल ओपन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। हेयर इज द CSS फाइल, यहाँ पूरी CSS फाइल है जो कि मैं यहाँ से एडिटिंग कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ जावा की तो वो जावास्क्रिप्ट भी इधर ही है, ठीक है। सेकेंड, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, यहां मैं ऑटोमेटिक फोल्डर क्रिएट कर सकता हूं। अभी देखिए, सी यहां चार पांच फोल्डर है, ओके, मुझे यहां डेमो का फोल्डर क्रिएट करना है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं डायरेक्टली यहां से क्रिएट करूं, अदरवाइज मैं डायरेक्टली यहां से भी, मैं अगर वेबसाइट पे वर्क कर रहा हूं यहां से क्लिक करूंगा, यहां से पूरा डेमो लिखूंगा, सॉरी DOM लिख दिया, ठीक है, ये CSS HTML के अंदर क्रिएट हुआ है। मैं डायरेक्टली यहां पे क्लिक करूंगा, DEMO, अभी हमने दो फोल्डर क्रिएट किए, ये देखिए डेमो का फोल्डर ऑटोमेटिक आ गया, अगेन जो हमने DOM क्रिएट किया था वो यहां आ गया। सेकेंडली, हमें इंटरलिंक करना है, हम यहां से डायरेक्टली इमेज भी देख सकते हैं, अगेन एंड अगेन हमें फोल्डर ओपन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दैट इज व्हाई आई प्रिफर VS Code, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अलग होते हैं। एंड फर्स्टली, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मतलब एक बेस्ट IDE है मेरी नजरों में फॉर ऑल लैंग्वेज। इसमें काम करने में अच्छा भी लगता है, अगर हम इसको कंपेयर करें, सी इट, दिस इज वन इज कलरफुल, और अगर मैं इसी चीज को नोटपैड में ओपन करूं, सी यू कैन सी द डिफरेंस। इज देयर एनी डिफरेंस इन बोथ? Am I audible? Yes, Sush. Yeah. See, here is the CSS file is included and all file will included in this. Firstly, the main thing is that कि अगर मुझे यहाँ से इसको live server पे जाना है तो मुझे यहाँ से इसको cross करना पड़ेगा, otherwise इसको minimize करना पड़ेगा, after that मैं इसको live server पे जाऊँगा। But in this VS Code, मैं डायरेक्टली यहां गो लाइव पे क्लिक करूंगा एंड मेरा पेज विजिबल हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसको, मुझे सपोज कीजिए यहां ये चेंज करना है, लाइक ठीक है, ये है लॉरियम लिप्सम है, अगर मैं इसको ही चेंज करूं या एट द एंड हेयर, इसके एंड में मुझे एक और पैराग्राफ एड करना है, तो फर्स्टली मुझे पी टैग, ओपन टैग, क्लोज टैग अपने आप आ जाएंगे। यहां मुझे कुछ भी लिखना है, दिस इज डेमो, मैं सिर्फ इसको कंट्रोल एस करूंगा और सीधा आप सर्वर पे जाऊंगा, मुझे कोई रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ये दिस विल कम ऑटोमेटिकली विदाउट एनी रिफ्रेश एंड ऑल। बट इन द नोटपैड, अगर आप नोटपैड यूज कर रहे हैं तो आपको रिफ्रेश करने का रिक्वायरमेंट रहेगा उसको, पेज को बार बार। दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट, एंड देर आर सो मेनी बेनिफिट इफ यू आर यूजिंग VS Code। सो फर्स्टली कम बैक, हाउ टू इंस्टॉल, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यू कैन वॉच माई वीडियो। इफ यू आर फेसिंग, स्टिल यू आर फेसिंग द इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम, देन यू कैन कोऑर्डिनेट विद मी। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फर्स्टली हमने ये चीज इंस्टॉल कर ली। नवीन, आई एम ऑल्सो प्रिफरिंग यू, यू आर, इफ यू आर यूजिंग VS Code दैट इज वेरी यूजफुल फॉर यू, बट बिफोर दैट, व्हेन यू इंस्टॉल योर VS Code, फर्स्टली ओपन योर VS Code, ओपन विद कोड, ओके, देन जस्ट अ सेकंड, यू कैन क्रिएट
your any file and you can delete your any file, any folder here. Okay. Yeah, when, yes, Sushant. When you will install this, I have downloaded this Visual Studio Code and Eclipse, both. I have downloaded Eclipse and Visual Studio Code, Vishal. Both I have. Okay, okay, okay. So, what will you prefer? You will prefer which one first? Java, I will prefer Eclipse. Remaining, I will prefer this one, Visual Studio Code. Okay, okay, okay. So, for this one, I will do all my practical, all my program in VS Code. So whatever you are using, then you can use it. But for my preference, I am using VS Code. Okay, because I am very. So I will change to this one. Sorry. I will use it. Yeah, it's your choice. The functions will save. Yeah, yeah. But this is if you are making your front end website and back end website both, then this is more comfortable for me. Okay. Yeah. Yes. I see. ओके व्हेन यू फर्स्टली अभी कैसा है हम लोगों ने पाइथन इंस्टॉल ये जावा इंस्टॉल किया राइट सो फॉर आफ्टर इंस्टॉलिंग जावा द फर्स्ट स्टेप इज चेक इफ योर जावा इज प्रॉपरली इंस्टॉल्ड और नॉट सो हियर आई एम गोइंग कमांड देन आफ्टर दैट जावा वर्जन इफ यू सी एरर आफ्टर प्रेसिंग एंटर हियर आई एम सीइंग द जावा वर्जन दैट मीन्स माय जावा इज प्रॉपरली इंस्टॉल्ड अगर यहाँ जावा का आपको वर्जन दिखा रहा है इट मीन्स आपका जो जावा है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है इफ यू आर फेसिंग सो मच एरर देन हियर इट मीन्स और यू आर फेसिंग एनी वन एरर सपोज इफ यू आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ एरर देन इट मीन्स देर इज एनी प्रॉब्लम वाइल इंस्टॉलिंग द जावा कि आपने जब जावा इंस्टॉल किया है तो यू आर फेसिंग सम इशू ओके तो वेन यू सी जावा वर्जन इन योर कमांड प्रॉम्प्ट देन It means your Java is properly installed. After installing the Java and checking the Java version, then third step is install VS Code. If you are already having VS Code, then that is very good. Visual Studio and Visual Studio Code is two different. Okay. So if you want different, then please check my Python video. After the third step is to install VS Code. If you are already having VS Code, then that is very great. The fourth one is step. Here you can go with extension. Naveen, please watch this one. Okay. Yes. Here you can go extension. You can also use Control Shift or X for shortcut. Here I am using extension. Now here I am using writing here Java. Okay. Then there is the extension pack for Java. Install this one. Extension pack for Java. It will install 6 app extension pack. That is test runner for Java, Maven for Java, project manager for Java, Intel code and language supported for Java, debuggers. Okay. So sir, these are all present in VS Code. Yeah, you can install extension pack for Java if you are not having. After installing VS Code, na? Yeah, after installing, see, firstly you will install VS Code, then this screen will appear. Okay? Ye screen aapke saamne aayegi. After that, left hand side pe idhar extension hai. Okay? Here you can see that Explorer, Search, Source, and after that Run and Debug. Here is the extension. तो यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं फर्स्ट वन इज लाइव सर्वर दिस वन लाइव सर्वर में सर्वर बहुत सारे हैं बट मैं प्रिफर लाइव सर्वर को करता हूँ ओके फर्स्ट वन यू वांट टू इंस्टॉल लाइव सर्वर ओके सेकंड वन यहाँ आप इंस्टॉल सिर्फ जावा लिखिए तो जावा अगर आप लिखेंगे आफ्टर प्रेसिंग एंटर यू विल सी एक्सटेंशन पैक फॉर जावा इस एक्सटेंशन पैक में छह अगर देखिए मैं अगर मैं इसको सेपरेट सेपरेट इंस्टॉल करूंगा इट विल टेक टाइम और मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम भी होगा बट मैंने एक्सटेंशन पैक पूरा जावा का इंस्टॉल कर लिया तो मुझे अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा अगर इसके बाद भी आपको कोई इश्यू जा रहा है तो यू कैन कोऑर्डिनेट विद मी ओके इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ नो सर
अलावा इसके वीएस कोड से रिलेटेड? नो सर। ओके, तो आज हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, मैं जावा कोड में ही लिखूंगा। फर्स्टली मैं एक फाइल क्रिएट, एक फोल्डर मुझे क्रिएट करना है सी। यहाँ डेमो है, डेमो का जो फोल्डर है वो एम्प्टी है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं विदाउट वीएस कोड के बिना बाहर आए, विदाउट कम हियर आई एम डूइंग ऑल द थिंग इज वीएस कोड। फर्स्टली आई एम क्रिएटिंग अ फोल्डर, यहां मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। ओके, दैट इज जावा। आफ्टर दैट आई एम क्रिएटिंग अ सब फाइल here, demo dot extension I am using, that is Java. So here you can see automatic it comes J. Firstly I am writing the program here, that is public space class space main, you can use it autocode also, but right now I am not using it. Main, after that brace, open brace, public space stacks. Is my screen is visible to all? Yes, yes, we should. Yes. I'm writing my first program. Void main. String. After the bracket. System print out. After so many lines, I'm to the semicolon. Main method not found in the file. Where I am making a mistake, tell me. I am making so many mistakes here. Naveen, is there any mistake in that code? I will see. Let's check it. The major mistake is this one. Print LL. One more mistake, please check, Naveen. It's for you. Sir, in string you have taken curly braces. I think it must be an error. So, Naveen, string we used. String spelling is wrong. Yes. C. T-R-S, yeah. String spelling is wrong. Now this program is run. See, there is an error. Yes, after args
we need to give a colon, semicolon. Here? Yeah. Yes, sir. No, no need to give colon and all. Okay. There is one little mistake. See, I'm writing my code again. After so many time I'm writing a code, otherwise I am using auto code. After that, here I am using system printout. I'm system.printout. Declare page does not make expected package for Java. Okay. Java is already there. I already closed it. The public main must be define its own file. That is Java. So class main before we. Just a second. Okay. Again, we are facing. I hope my VS Code is facing a problem. Last time I share a file with you. Do you does any change in that file or right directly you can run that file? Naveen, I am asking from you. Last time I share a file with you. Yeah. So. Is there any change you can do that file or directly that one is run in your computer? I will check it. Just give me a second. That is public class space main space. I don't find any issue in that. Public main must be defined as own file. Yeah, we are using public. Right? That is the reason we are facing a problem. See, yeah. In the basic, right now I am using the class main, that is after that public stat void main string, that is system printout, that is hello world. So we don't need to use public in if you are using VS Code. Okay. Okay. That is the this program is run. Did you see any benefit in this? See, public after that s after that
सी आई एम हैविंग थ्री प्रॉब्लम इन माय कोड राइट सो हियर यू कैन सी दैट द पब्लिक मेन मस्ट बी डिफाइंड एट इट्स ऑन फाइल इट मीन्स वी आर मेकिंग मिस्टेक एट सेकेंड लाइन देखिए लाइन सेकेंड हियर फर्स्टली आई एम डिलीटिंग दिस वन देन द प्रॉब्लम इज आउट स्ट्रिंग कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप इट मीन्स कैपिटल एस थर्ड वन सिंटेक्स एरर ऑन द टोकन एज आई टोल्ड यू जैसा कि मैंने पहले बताया था अगर आप वी एस कोड में कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी तो वो ये पूरा ऑटोमेटिक ये जनरेट करेगा राइट तो इस कोड में ये हमारा पहला कोड है दिस इज आवर फर्स्ट कोड सेकंड कोड हम लोग लिखते हैं अभी दिस इज द हेलो वर्ल्ड यहां हम वट एवर वी वॉन्ट टू प्रिंट दिस इज आवर फर्स्ट क्लास See, if this program is facing any issue, firstly, the curly brackets marks the beginning and end of the block of the code. This one, ये जो curly bracket है वो beginning को mark करते हैं और block code को block करते हैं. System as in built-in Java class contains yeah बोलो ना सर क्लास और पब्लिक में क्या डिफरेंस है सर means सर क्लास और पब्लिक में क्या डिफरेंस है सर public? मतलब आप पब्लिक लगा रहे हो तो एरर आ रहा था I did can you type which bubbling you are asking this one अच्छा पब्लिक यू आर आस्किंग पब्लिक राइट यस सर या अगर आप डायरेक्टली कोड लिख रहे हैं तो आप पब्लिक लिखिए जैसा कि हमारा बेसिक कोड है हमने बहुत जगह देखा है मैंने भी देखा था जहां बहुत सारी जगह पब्लिक लिखा राइट बट डायरेक्टली देखिए अभी मैंने जावा की जो स्क्रिप्ट लगाई है एक सेकेंड I am applying Java in this. JavaScript. अगर आप ये देखेंगे ऑनलाइन तो आपको पब्लिक ही दिखेगा ठीक है यहाँ पब्लिक क्लास में है तो हमें डायरेक्टली क्लास मेन से स्टार्ट करना है ये जो है ना अपना कोड ओके सो सिंगल लाइन कमेंट तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं डू यू नो व्हाट इज ओके आई एम रिपीटिंग अगेन व्हाट इज द कमेंट अगर मुझे यहाँ लिखना है कि मुझे यहाँ सपोज कीजिए मैं यहाँ एक नोट देना चाहता हूँ कि मुझे या सपोज मैं यहाँ पब्लिक लिखता हूँ ठीक है बट मैं अपर वाली लाइन में पब्लिक लिखता हूँ इस मेरा कोड रन करेगा इस माय कोड इज रन नो बिकॉज पब्लिक इज फेसिंग एन इशू सो मैं इसको एक कमेंट में दे दूंगा अगर मेरे लिए कंपलसरी है अगर मुझे ये कंपलसरी रखना है तो आई पुट इन कोड ये ग्रीन हो जाएगा अगर ये कमेंट में रहेगा ओके तो हम इसको सिंगल लाइन कमेंट जो रहेंगे उनको टू फॉरवर्ड स्लैशेस दे देंगे ओके अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट देना है तो आप क्या करेंगे डू यू नो
अगर मुझे यहाँ अगेन पब्लिक लिखना है या मल्टी लाइन कमेंट, सो मेरे पास दो ऑप्शंस है। फर्स्टली मैं आपको दो ही ऑप्शन बताऊंगा। अगर मैं यहाँ आपको मल्टी लाइन कमेंट अगर मैं दे दूँ तो मैं आपको ऐसा कर सकता हूँ डबल स्लैश, तो अगेन एंड अगेन मुझे ये लगाने पड़ेंगे, बट मेरे को ये एक ही बार में, मतलब यहाँ से मैं अगर कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ, अभी सपोज कीजिए ये मेरे पास 8-9, तो सब में तो मैं स्लैश स्लैश नहीं दे सकता, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा एक ही इसमें देना है, एक ही कमेंट में मुझे एक ही चीज चाहिए जिसे मैं सिंगल कमेंट में पूरा कमेंट कर सकूं। अभी मैं सिंगल डबल डबल स्लैश लगाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मुझे क्या करना रहेगा, मुझे एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, ओके, एंड आफ्टर दैट स्टार लगाना है, ये पूरा मेरा कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड जहां भी मुझे एंड करना है मैं अगेन स्टार लगाऊंगा एंड स्लैश लगाऊंगा फॉरवर्ड स्लैश, तो ये मेरा कमेंट जो है कमेंट को यहां बंद हो जाएगा। नाउ डू यू नो व्हाट इज द सिंगल लाइन कमेंट एंड व्हाट इज द मल्टी लाइन कमेंट? दैट इज वेरी यूजफुल व्हेन यू आर मेकिंग अ वेबसाइट और यू आर मेकिंग एनीथिंग। सी हियर इफ यू कैन सी दैट इन HTML आई एम आल्सो यूजिंग कमेंट, दैट इज टाइटल, शीट लिंक, हेडर, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट CSS, देन हेयर आई एम यूजिंग फुटर कमेंट, टोटल पेज, टॉप बार, सो दिस कमेंट इज वेरी यूजफुल व्हेन यू आर मेकिंग अ वेबसाइट, सो दिस कमेंट विल नेविगेट, मतलब ये कमेंट आपको नेविगेट करते हैं कि कब आपका कहाँ है। अगर सपोज कीजिए मुझे यहाँ से टाइटल पे जाना है और या फिर मुझे शीट लिंक पे जाना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से कंट्रोल F करूँगा, SHWT शीट लिंक, तो शीट लिंक एकदम आ जाएगा। बट अगर शीट लिंक ही नहीं होगा, मैंने कमेंट ही नहीं दिया शीट लिंक का, तो मुझे शीट लिंक ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए नेव बार एंड मेन्यू बार, मैं हर जो भी चीज़ें हैं मेरी नेव बार है या पैराग्राफ है, बॉडी एंड द सेक्शन, हर जगह आपको मेरा कमेंट मिलेगा। एंड आफ्टर दैट आई एम फ्रॉम हेयर आई एम यूजिंग फुटर, देन आई मैंने यहाँ फुटर का दिया। जावा स्क्रिप्ट, अभी जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी मैंने जावा स्क्रिप्ट फॉर नेव बार, अगर मुझे कोई और जावा स्क्रिप्ट देनी है तो मैं उसके लिए दूंगा। ओके, सो कमेंट इज वेरी यूजफुल व्हेन यू आर मेकिंग अ वेबसाइट, सो दिस इज द बेसिक पार्ट। सो नाउ वी विल इट इज 22 गाइस, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट जावा वेरिएबल, ओके, ओके, एंड डाटा टाइप, ओके, okay. Is there any doubt till now? No, there is no doubt. All are clear. Any other? Kailash, Umar, Abdul. Is there any doubt? No, sir. Okay. So tomorrow we will learn. Now regularly we can take the Java classes till completion. So tomorrow we will learn about the variables and data types. Okay. Okay. So okay. Please make a practice for today program, or we can say that install. Firstly, you will install Java, secondly check your version, if you are checking your version then you will know if your Java is properly installed or not. Third one, using ID, any ID what you want to use, I am preferring for VS Code, whatever ID you are, you can use it, it's your preference. And third one, if you are using VS Code then firstly usme live server, install live server, and after that install Java extensions, okay. So, उसमें 6-in-1 pack है, वो install कीजिएगा। After that, जो program हमने आज run किया है, वो run करके देखिए।
एंड अगर कोई भी इशू आता है तो यू कैन कोऑर्डिनेट विद मी. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरी एंड टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द वेरिएबल एट द सेम टाइम. ओके ओके ओके. एनी डाउट एनी क्वेश्चन? नो सर. ओके देन गुड नाइट टू ऑल. थैंक्स फॉर अटेंडिंग क्लास. थैंक यू सर. गुड नाइट विशाल. थैंक यू सो मच.